मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ना तो झुग्गी रही ना मकान रहा ना घर रहे, घर रहे। मोदी जी के जितने वादे हैं सारे झूठे हुए, एक भी वादा उनका सच्चा नहीं है। उन्होंने ये कहा था 2022 तक हर गरीब आदमी के मकान पक्के बना दिए जाएंगे। मकान पक्के बनाना तो छोड़ो, वो मकान हमारे तोड़ और दिए गए। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे? कोई नहीं आया ना, किसी खाने को पूछने आया, नहीं पानी के लिए पूछने आया। सारा सारा दिन लोग यहाँ भूखे रहते हैं। बात करता हूँ, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, शाम के वक्त संडे को आज मैं 8 अगस्त को यहां पर आया हूं खोरी गांव। यह आप देख सकते हैं, ये सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं, यहां पर जितने लोग मौजूद हैं, ये सभी लोग लोगों के मकानात को गिरा दिए गए हैं। ये सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर। मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, क्या क्या वजह थी जो मकानात को गिराया गया आप लोगों के? वजह तो कुछ ना थी, ये बोल रहे थे नगर निगम की जगह है, आरावली की जगह है, इसलिए तोड़ दिया गया। क्या आप लोगों का आधार कार्ड था, पैन कार्ड था? सब कुछ है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारी आईडिया यहीं की है हमारी। आरटीआर भी भरते हैं हम तो सर, मैं तो रिटर्न वगैरह सब भरता हूं। हम तो आरटीआर भी भरते हैं सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरा एड्रेस है C150 लाल कुआ चुंगी नंबर 2, ये सिद्दीकी मदरसे के बराबर वाला मेरा प्लॉट है। और ना ही तो कोई नोटिस दिया था, ना ही कोई ऐलान करा था। ये बोला गया था कि 10,000 घर तोड़ने हैं अरावली क्षेत्र में, कम से कम यहाँ 2,500 से ज़्यादा घर तोड़ चुके हैं अब तक, और हमें घर रास्ते पे बिल्कुल ला के छोड़ दिया है। अब कहाँ जाएँ तो कहाँ जाएँ, ठीक है यहाँ पर डेली। कितने दिनों से आप रह रहे थे यहाँ पर? हमें तो हो गए 10-15 साल सर यहाँ पे। इन भाई साहब को 18-19 साल हो गए, उनको 18-19 साल हो गए, इन्हें ये मुल्ला जी हैं हमारे, इनको काफ़ी साल हो गए यहाँ पर रहते। कितने साल से आप रह रहे थे? 25 साल से साहब। क्या करते थे, क्या काम? भैया रिक्शा ठेला चलाएं हम, रिक्शा ठेले काम है भैया, मजदूरी और कोई काम ना, सब मजदूरी के अलावा। अब मजदूरी में समझ लो घर खसा दिए गए रोड पे। अब क्या करेंगे, कहाँ रह रहे हैं आप? कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे? जहाँ के अलावा कहाँ जाएंगे भैया, हम या घर को छोड़ कहाँ जाएंगे? नहीं, यहाँ तो आपके मकानात को गिरा दिए गए, आपने खुद से मकान को अपने गिराया। आपको मैंने देखा अभी कि ईंट आप तोड़ रहे थे, जो आपके मकान थे उसको गिरा करके सरिया वगैरह जो था वो उसको आपने खुद अपने हाथों से बेच दिया। लेकिन अब कहाँ जाएंगे, किस तरह अपना सर छिपाएंगे साहब? यहीं रहेंगे हम तो, हम कहाँ जाएंगे यहाँ के अलावा।
हम कहाँ जाएंगे भैया, जहीं के जरा जहाँ कोई जगह ही ना है। कि पीछे कहाँ, पीछे किस गांव से थे? अरे सब कुछ यहीं से, यहीं यहीं रह रहे हैं, यहीं से। अब हमारे गांव में क्या है, अब गांव में तो बेच आए हम जमीन, जमीन बेच के यहाँ को आए। अब गांव में ना, गांव में कुछ ना है, जमीन बेच आए साहब हम तो गांव की। अब तो सात बीघे जमीन बेच के तब ये मकान बनाया, मकान बनाया है, सात बीघा जमीन बेच के। कौन सा गांव में बेचा आपने मकान? हानीपुर खैरू। किस जगह है ये? जिला बदायूं सैसवान तहसील, जिला बदायूं सैसवान तहसील, भवानीपुर खैरू। 25 साल पहले बेच करके यहाँ आ गए आप? हाँ, बेच के आए साहब, जमीन यहाँ बेच के तो आए यहाँ के लिए, तभी ये मकान बनाया। तो मकान बनवाया, जमीन बेची है हमने, हम लोगों ने भी जमीनें बेची हैं, जमीन बेच के। क्या काम, क्या काम करते थे आप? मैं तो पेंडा काम करता हूँ, ठेके मजदूरी करता हूँ, झाड़ी पे 350 रुपये मिलते हैं। बताओ उसमें घर का खर्चा चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं या दवाई दारू करवाएं, अब यहाँ क्या करें? हमारा खर्चा है डेली का, गरीब आदमी है, बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? कोई भी आदमी आपको तहफ़ुज़ देने के लिए, आपके लिए कोई कैसे खाना पीना हो रहा है, किस तरह आपका गुजर बसर हो रहा है, उसके लिए इलाके के कोई नेता या कोई और एनजीओ से लोग आए, कोई ऐसे लोग आए हैं? कोई नहीं आया, ना किसी खाने को पूछने आया, नहीं पानी के लिए पूछने आया। सारा सारा दिन लोग यहाँ भूखे रहते हैं, इसकी मालियत खा रहे हैं, अपनी मालियत खुद ही हम खा रहे हैं यहाँ पे। अब नहीं, वो तो आपने 25 साल पहले, 20 साल पहले आपने एक एक ईंट करके पैसे कमाए होंगे, उस पैसे को लगाया, मकान बनाया, एक कमरे का 10 गज 15 गज 20 गज जो भी मकान थे उसका आपने तामीर की, उस तामीर किए हुए मकान को आज आपको खुद मजबूर होना पड़ा गिराने पर। क्या कहा गया था, आपने कैसे मकान को गिराना शुरू किया? हमने नहीं गिराना चालू करा सर, अपने मकान को कौन गिराना चाहता है? गिराए ना साहब, बिल्डोजर वालों ने ना ही तो हमें नोटिस दिया, ना ही हमें कुछ चीज़ दी, कह दिया बाहर निकलो, हमारा तो सामान भी दबा पड़ा सर, सारा बेड वगैरह सब A to Z सब सामान दबा पड़ा है। देख लो ना सब सामान दबा पड़ा है, हमसे ना ही तो ये कहा, सारा गिरा दिया, सारा गिरा दिया हमारा सामान। अब भी देख लो, वो तो देखने वाली बात है, सब सामान। आप किस गवर्नमेंट में है, दिल्ली गवर्नमेंट में है, हरियाणा गवर्नमेंट में है, किस में? नहीं पता सर हम कौन सी गवर्नमेंट में, यही ना बताया कि हरियाणा में हो, दिल्ली में हो। हमें दिल्ली में लगता है, ये दिल्ली में लगता है या हरियाणा में लगता है? ये जो है हमारी आईडी है सिर्फ दिल्ली की, दिल्ली की है, और हमारे पास कोई आईडी हरियाणा की नहीं है, तो हम अपने आप को दिल्ली का ही मानते हैं जी। ये 15 साल हो गए हमें, 20 साल हो गए इन्हें मीटर का बिल भरते हुए, और आज तक कैमरे लगे हुए। ये आईडी है हमारी, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पहले ये बोलते रहे कि मीटर लाइन को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। बस एक दफा क्या हुआ कि भाई सब पुलिस वाले आए, सिविल वर्दी में भी आए, जिन्होंने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी, उन्होंने कहा कि बाहर निकलो, सामान तो निकालने दो सर, और हमें मारा भी है उन्होंने। गरीबा में तल्ले, और जो यहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने ये बोला था जिनके पास दिल्ली की आईडी है उनके मकानों को नहीं छेड़ा जाएगा, जिनके पास दिल्ली की सुविधा है। हम लोगों के पास में सारी दिल्ली की सुविधा होते हुए हमारे मकानों को गिरा दिया गया, नहीं हमारे यहाँ अलाउंस किया गया क्या आप मकान खाली करिए, उसके बावजूद हमारे मकान तोड़े गए हैं। बंदा किसी का मकान तोड़ता है कम से कम एक आध हफ्ता पहले उसे बताता है, हमें कुछ नहीं बताया। सुबह मकान तोड़े, अरावली क्षेत्र उससे एक घंटे पहले हमसे बोला कि खाली करो ये, अब हम बताओ सामान लेकर कहाँ जाएंगे? एक दिन न्यूज में ये हम पे खाने तक को पैसे नहीं है, लगी है तलवार दिल्ली में, जो मीटर लगे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी, जिनके मीटर लगे हैं और सिटी कैमरे लगे हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बाद जरा क्या हुआ, उसी 2-4 दिन के बाद ये भी साफ कर दिए, सभी साफ कर गए। क्या करते हैं आप, क्या काम करते थे? हम फ्रूट का काम करते हैं जी, रेड़ी लगाते हैं। किस जगह पर? ये यही पहलादपुर में लगाते हैं। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ पे? हमारे को हो गए 18 साल। तो मकान जब गिराया गया उससे पहले आपको नहीं बताया गया कि हाँ मकान आपका नाजायज़ है, ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह गवर्नमेंट की है? उससे पहले हमारे लिए ना तो कोई इन्होंने बताया, मीटर भी उसी टाइम काटा है जिस टाइम उन्होंने मकान हमारा गिराया है, उससे पहले भी नहीं गिराया, लाइट चालू में काट के ले गए हैं मीटर हमारे सर। सबके पानी के टैंक सबके जितने भी थे उसमें से सब जैसे रेगुलर पानी रोज आता था, डेली उस दिन पानी भी डेली आया है, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने हमें सबको मार मार के घर से बाहर निकाला है और तब हमारे मकान तोड़े हैं। और ये देखो हमने सब वीडियो बना रखी है अपने मकान की, ये देखो सर सारे CCTV लगे हुए हैं और कैमरे वगैरह सब लगे हुए हैं इस पर सरकारी, ये मीटर लगा हुआ है सर, ये देखो BSS का मीटर ये भी लगा हुआ है। आप ये बताएं
आज से पहले जब इलेक्शन हुआ था तो आपने किसको वोट दिया था, कौन आपके क्षेत्र के नेता थे, किन्हें आपने चुना था, कौन किसको आपने वोट दिया था, किस पार्टी को वोट दिया था? हमने जी साईराम पहलवान को वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को वोट दिया था यहाँ पे, और दोनों बार उसी को वोट दिया। क्या वो एक बार भी आए नहीं देखने के लिए? एक बार देखने के लिए नहीं आए, कोई सा भी नहीं, तो उसका अधिकारी तक नहीं आया कोई, वो तो वो कोई उसका मतलब कोई आदमी नहीं आया, कार्यकर्ता कोई नहीं आया हमें देखने के। आपने केजरीवाल जी तक आपने अपनी आवाज पहुंचाई? कई बार पहुंचाई है जी, गए भी हैं वहाँ पे, उनका ऑफिस भी गए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान साहब हैं, आपने उनसे संपर्क साधा? सबसे साधा जी, सबसे साधा है हमने। आपके यहाँ से कोई आदमी गया था अमानतुल्ला साहब के यहाँ? गए थे, ओखला गए थे, सब आदमी गए थे, मकसूद हाफिज जी गए हैं। क्या बताया उन लोगों ने? उन्होंने कुछ नहीं करा, बस वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे। हरियाणा में आपकी जगह बाउंड्री से इधर है और सब प्लॉट टूटेंगे, लेकिन एक चीज़ तो बता दो मुझे, ये यहाँ से लेके वहाँ तक सब में मीटर लगे हुए हैं, दिल्ली के पानी है दिल्ली का, सारे हमारे पास हजार रुपए। तो आपने वोट दिया दिल्ली को? हाँ जी। और जब मकान तोड़ने की बारी आई तो वो हरियाणा, तो वो हरियाणा हो गया, हरियाणा होगा। हमारी इन मस्जिदों में जितनी भी मस्जिदें यहाँ पे, ना ही तो उनमें लाइट आ रही है, ना ही वजू के लिए पानी है। अब ये बताओ, ये तमाम आदमी जितने भी हैं नमाज़ पढ़ने वाले, कहाँ वजू बना के आएंगे और कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे इस टाइम? और अब गर्मी चल रही है, गर्मी भी ना हो, एक दफ़ा को आदमी बिना घर हवा पंखे के नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन बिना वजू के कैसे नमाज़ पढ़ लेगा, ये बताओ आप। हमारी इस मस्जिद में वजू के लिए भी पानी नहीं है, बताओ अब कहाँ आ जाएगा आदमी, पूरा खंडर हुआ पड़ा है यहाँ से वहाँ तक। खाने को नहीं है लोगों पे, और खाने को नहीं है। जितने भी नेता हैं, क्या आम आदमी पार्टी ले लो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, बस सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए अलग हैं और गरीबों को घर जोड़ने के लिए हैं। हमारे ये मकान टूटे हुए हैं, साईराम पहलवान को दो बार हम लोगों ने यहाँ से जिताया, फुल बहुमत से, 7,000 वोटों से यहाँ से जीता, आज तक वो हमारे यहाँ देखने तक नहीं आया कि मकान टूट गया, क्या हुआ क्या नहीं, पानी तक को नहीं पूछने आया वो, इस हालत में भी नहीं पूछ रहे। अब ये लगा लो, इस कंडीशन में, इस गर्मी में, कोरोना काल में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अब बताओ यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं है, काम है नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं केजरीवाल ने कोई रिस्पॉन्स लिया इस कॉलोनी के बारे में, सब तोड़ दी, तहस नहस कर दिया गया, और तीन बार इन्होंने गरीबों में तलने, और उन्होंने बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बोला कि जिनके पास में दिल्ली के प्रूफ हैं, आईडी हैं, और जो सुविधा दिल्ली के लेते हैं, जो लोग सुविधा ले रहे हैं दिल्ली की, उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, उसके बावजूद हमें हमारे मकानों को तोड़ा गया है। अब मकान फ्री में तो बनते नहीं हैं, आदमी पूरी लाइफ ख़त्म कर देता है, हम कम से कम 40 साल पीछे चले गए। अब बच्चे सारे बड़े हो रहे हैं, उनके शादी ब्याह करेंगे या मकान बनाएंगे, ये बताओ। हम तो ये चाह रहे हैं सर, अब जो हमारा हो गया वो हो गया, हमें यहाँ पे तिरपाली डाल के रहने दे, वही हम उसमें ही स्वीकार कर लेंगे हम, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा तो हो आगे इस टाइम। मोदी जी ने कहा लेकिन था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ना तो झुग्गी रही, ना मकान रहा, ना घर रहे, घर रहे। मोदी जी के जितने वादे हैं सारे झूठे हुए, एक भी वादा उनका सच्चा नहीं है। उन्होंने ये कहा था 2022 तक हर गरीब आदमी के मकान पक्के बना दिए जाएंगे, मकान पक्के बनाना तो छोड़ो, वो पका मकान हमारे तोड़ और दिए गए, अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। कोई भी सरकार लोन देने को राजी नहीं है हमें, जो कि यहाँ से लोन लेकर किसी सरकार से कहीं हम जाके बना लें, इतने पैसे हैं नहीं जो कि हम जाके कहीं मकान बने या किराए पर रहें। मकान मालिक 7,000 रुपये महीना मांगता है, इलेक्ट्रिकल का 9-10 रुपये बिजली का बिल अलग है, अब हम बच्चों को पालें या उसका किराया रेंट दें, क्या करें? क्या नाम है तुम्हारा? अयान खान। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पे? रेल मंगलोनी। कौन से स्कूल में? रेल मंगलोनी के तुकलकाबाद में जो है। तुकलकाबाद में। अब कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? रोड पे रह रहे हैं, ऐसे ही। पढ़ाई लिखाई सब बंद है? बंद है सब। आपने देखा, मासूम बच्चे हैं, उनकी तहफ्फुज के लिए कोई नहीं आया, औरतें हैं, उनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आया, जो बूढ़े हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आया, वो NGOs कहाँ हैं, वो सोशल वर्कर कहाँ हैं, वो लीडर्स कहाँ हैं? मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा अपने चैनल के माध्यम से, अपनी इंसानियत के नाते से मैं ज़रूर पूछूंगा। आप हमारी आवाज़ बने, हमारे इस चैनल फ्रेंड्स मीडिया वाइजन को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। शुक्रिया।
मीटर का मीटर बताओ, मीटर कहाँ है? मीटर में आपको जीने में, जीने में ये है, जीने ये तो वाला।